हेलो गाइस, दिस इज़ गुणवंत पाठक और आपका मेरे इस गुणवंत पाठक टेक चैनल में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे टाइपिंग कैसे करते हैं, चाहे वो जो भी भाषा हो, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, डच, कौन सी भी भाषा हो, अगर किसी भी भाषा में हमें मोबाइल में टाइपिंग करना है तो वो कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गेट द लेटेस्ट वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन। देखिए दोस्तों, मैं आपको मोबाइल के मैसेज में टाइपिंग करके दिखाऊंगा। तो ये मैसेज है, तो अगर हमें किसी को मैसेज भेजना है, देखिए यहाँ पर कर्सर आता है तो यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम मैसेज टाइपिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ कीबोर्ड है ए और अ, तो यहाँ से हम इंग्लिश टू मराठी टाइपिंग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ टाइप करूँगा मी, तो मुझे क्या टाइप करना है, यम आई, तो देखिए यह मी आ गया। अगर मुझे यह हिंदी में टाइपिंग करना है मैं, तो मैं क्या टाइपिंग करूँगा, एम ए आई मैं, तो देखिए यह मैं आता है। तो यहाँ से हम हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग कर सकते हैं और मराठी में भी टाइपिंग कर सकते हैं। लेकिन हमें इंग्लिश नहीं आती है तो इंग्लिश में टाइपिंग कैसे करना है, देखिए। तो हमें मराठी आती है तो मराठी टू इंग्लिश कैसे ट्रांसफ़र करना है, तो ये इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली बस ये थ्री डॉट है तो इस थ्री डॉट पर क्लिक करिए और नीचे आएगा ट्रांसलेट, देखिए। तो इस ट्रांसलेट पे जाना है तो इधर आएगा एंटर टेक्स्ट टू ट्रांसलेट। तो हमें मराठी में यह लिखना है या हिंदी में लिखना है, देखिए मैं लिखता हूँ यह हिंदी में, मैं बारामती जा रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ टाइप कर दिया, मैं बारामती जा रहा हूँ। अगर ये आपको किसी को इंग्लिश में भेजना है तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए यहाँ हिंदी है तो यहाँ मैंने हिंदी में टाइप कर दिया और यहाँ इंग्लिश में मुझे ट्रांसफ़र करना है। आप किसी भी भाषा में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो मैं आपको इंग्लिश में करके दिखाऊंगा। पहले देखिए यह हिंदी है तो मैंने हिंदी में टाइप कर दिया और ये जो दो एरो है ये ट्रांसलेट के हैं, तो कौन सी भाषा में करना है हमें, इंग्लिश में। तो यहाँ नीचे डन कर दीजिए, डन, तो देखिए यह इंग्लिश में आ गया, आई एम गोइंग टू बारामती। तो यहाँ से आप उसको मैसेज सेंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको दूसरी भाषा में करना है, देखिए मैं ये मैसेज फिर से डिलीट करके टाइप करता हूँ, यह टेक्स्ट में लिखना है मैं बारामती जा रहा हूँ। देखिए मैंने हिंदी में टाइप कर दिया और अगर ये मुझे यह दूसरी भाषा में टाइप करना है, ट्रांसलेट करना है, तो यह एरो पर क्लिक करना है नीचे। तो एरो पर क्लिक करने के बाद यह हिंदी आएगा, मराठी आएगा, देखिए नीचे अफ्रीकन्स आएगा, देखिए बहुत सारी लैंग्वेज है, यह अरेबिक है, बांग्ला है, बहुत सारी जितनी भी लैंग्वेजेस है तो वो सारी लैंग्वेजेस यह नीचे आएगी। तो मुझे अगर यह डच में करना है या फ्रेंच में करना है, देखिए मैं फ्रेंच में करता हूँ, मुझे तो फ्रेंच नहीं आती दोस्तों, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मुझे फ्रेंच में ट्रांसलेट करना है तो यह मैं क्लिक करूँगा, देखिए अभी यह हिंदी ट्रांसलेट टू फ्रेंच, तो मैं हिंदी में टाइप कर दिया मैंने तो इसी में फ्रेंच में कर दूँगा। तो यह डन करना है, तो डन करने के बाद देखिए यह क्या लिखा है, मुझे ये नहीं आती फ्रेंच, लेकिन ये जो मैंने हिंदी में टाइप कर दिया है वो फ्रेंच में ट्रांसलेट हो गया है। तो आपका कोई फ्रेंच फ्रेंड है तो उसे आप ये भेज सकते हैं। इसी तरह आप मराठी या हिंदी जो भी लैंग्वेज आपको आती है उस लैंग्वेज से ट्रांसफ़र करके किसी भी भाषा में आप उस फ्रेंड्स को ये मैसेज भेज सकते हैं और हम टाइपिंग कर सकते हैं, ये एक तरीका है। देखिए हम यह चेंज करके देखेंगे, तो यह हम करेंगे
इंग्लिश, तो यह मैं इंग्लिश में टाइप करता हूँ, आई एम गोइंग टू बारामती देखिए ये मैंने इंग्लिश में टाइप कर दिया। तो अगर ये आपको मराठी में ट्रांसफ़र करना है या हिंदी में ट्रांसफ़र करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हिंदी लैंग्वेज यहाँ सिलेक्ट करनी पड़ेगी। देखिए इंग्लिश ट्रांसफ़र टू हिंदी, तो यहाँ मैंने इंग्लिश लिख दिया और यहाँ हिंदी में ट्रांसफ़र करने के लिए मैं यहाँ डन कर दूँगा। तो डन करने के बाद देखिए यहाँ हिंदी में आ गया, मैं बारामती जा रहा हूँ। तो इस तरह आप किसी भी लैंग्वेज से किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करके टाइपिंग कर सकते हैं और जिसे भी चाहिए उसे भेज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये मेरा वीडियो आपको यूज़फुल लगता हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।